वेलकम व्यूअर्स, ये आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। ये व्लॉग दरअसल एक स्पेशल ओकेजन के ऊपर है, जिसमें मैंने अपने फर्स्ट मदरहुड के 30 इयर्स कंप्लीशन के मौके पर अपने आप को ही गिफ्ट दिया है। तो आइए, लेट अस स्टार्ट द व्लॉग। ये 2 दिन की एक्टिविटीज से रिलेटेड है। द डे 1 पर हम लोगों ने अचानक बैठे बैठे सोचा कि चलिए, अपनी गाड़ी को ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं, अब ये रोड पे चल नहीं सकेगी, तो हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा। हम लोग पास के ही एक शोरूम की तरफ गए और वहाँ पर हमने कुछ गाड़ियाँ देखी और उसमें से फिर एक गाड़ी चूज़ की। ऑल दो मुझे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे लगता है कि गाड़ी ब्लैक में ही होनी चाहिए, बिकॉज ब्लैक इज़ रॉयल कलर। अदरवाइज सारे ही कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, बट ठीक है, अपनी अपनी पसंद होती है। वैसे मुझे व्हाइट भी बहुत पसंद है, बट जब गाड़ी का सवाल आता है तो ब्लैक इज माय फर्स्ट चॉइस ऑलवेज। और मेरी दोस्त भी है इसमें, शी हैज ऑलवेज बीन विद मी। पिछली ऑल्टो के टाइम पर भी शी वाज विद मी और अब वेगनार के टाइम भी शी इज विद मी। तो हमने सोचा, छोड़ो यार, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए इतना ज्यादा सोचने की जरूरत क्या है। पहली गाड़ी भी मैंने ऐसे ही ली थी, घूमते टहलते गई थी, शोरूम में देखा और अपनी गाड़ी लेकर और मैं आ गई थी। So this way, this time also I did the same thing. Then I settled for the white color. Black is absence of colors and white is combination of all the colors. तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक ब्लैक हो गई, अब ये सेकेंड वन आई विल गो फॉर द व्हाइट वन। Now let us move on to the day 2. तो फिर हम लोग अपनी पुरानी ऑल्टो में चल दिए शोरूम की तरफ। And it was our last ride with our beloved ऑल्टो। ऑल्टो ने 15 साल मेरा साथ दिया और उस गाड़ी ने बहुत संभाल लिया। आज तक मुझे खरोंच तक नहीं आई और चालान के नाम पर भी कुछ नहीं हुआ। It was a great achievement और बहुत ज्यादा चली नहीं थी, hardly 65,000 kilometers ही चली थी मेरी गाड़ी। You can say it was in the best condition। अगर मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसी ना होती 15 साल के बाद डिस्कार्ड करने की, तो मैं कभी सोचती ही नहीं कि मैं दूसरी गाड़ी के ऊपर जाऊं। खैर, बीइंग अ सिटीजन, आपको कंट्री के रूल रेगुलेशंस फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो फिर हम लोग चल पड़े शोरूम की तरफ और वहां पे सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करके और फिर गाड़ी हैंडओवर की गई हमें। फर्स्ट लुक ऑफ माय कार, चाबी हमने बाबा को ही पकड़ाई, डॉन द ग्रेट को। ही वाज वेरी हैप्पी और बड़ों के आशीर्वाद होना बहुत जरूरी होता है, तो ही वाज वेरी हैप्पी एंड दैट्स व्हाई आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी। उसके बाद मेरी फर्स्ट ड्राइव, उसको निकाल के लाते हुए। Now it's time to bid goodbye to our beloved Alto. थोड़ा मैं इमोशनल तो हो गई थी क्योंकि 15 साल से गाड़ी ने मुझे संभाला था, 15 साल तक चलाई। इट वॉज़ ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड गाड़ी, क्योंकि मेरे घर में कोई भी इतना गाड़ी चलाने के लिए पैशनेट नहीं है। तो आई एम द ओनली वन हु इज़ पैशनेट अबाउट ड्राइविंग और गाड़ी मेरे साथ हर जगह जाती थी। It was like my companion for last 15 years. तो थोड़ा बहुत फील हुआ डिपार्ट होते हुए। जब हम किसी चीज़ को अपना बनाते हैं, मीन्स सजीव निर्जीव जो कुछ भी है, तो वो भी उस हिसाब से एक वाइब्रेशन होती है जिससे अटैचमेंट सी हो जाती है और वो भी हमें उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करता है। शायद यही वजह थी कि इस गाड़ी के साथ मेरा एक बहुत अच्छा समय कटा, एक बहुत अच्छी यादें रहीं इसके अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम आई यूज़ टू ड्राइव अलोन। तो अकेली मैं होती थी, तो इट वॉज़ माई कंपेनियन फॉर लास्ट 15 ईयर्स। सो यहाँ मैं चाबी हैंड ओवर कर रही हूँ एंड होप कि गाड़ी अगर जिसको भी मिले उसके साथ अच्छी तरीके से चलेगी। एंड ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ठीक भी नहीं होती हैं और इतने तो सेंसिबल हम हैं ही। और फिर हम लोग सबके सब मिलके घर वापस आए।
आई यूज़ टू कॉल माई ऑल्टो ब्लैक मैना, काली मैना, और अब जो लिया है वो सफ़ेद रंग की है. सो आई हैव गिवन इट नेम ऑफ वाइट राजहंस, मीन्स सफ़ेद राजहंस. और होप जैसे ही मेरी काली मैना ने मेरा साथ दिया पिछले 15 साल और मुझे संभाल के रखा, सेफ रखा, वैसे उसी तरीके से ये भी हमारा सफ़ेद राजहंस जो है ये मेरा साथ दे और मुझे संभाल ले. और एक नया सफ़र अब शुरू हो रहा है, पुराना सफ़र समाप्त होता है, नए सफ़र में नए साथी, मैं और मेरा सफ़ेद राजहंस. चिकू ने भी गाड़ी चलाई. चिकू ने कहा कि देखता हूँ मैं भी चला के, तो उसने भी, मैंने उसे कहा कि आप टाउनशिप के अंदर ही चलाइए अभी, तो इट्स वेरी स्मूथ और बहुत अच्छी गाड़ी रही. मोटर कंपनी ने चॉकलेट वगैरह दी और भी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें दी थी, परफ्यूम एंड ऑल दैट, जो भी छोटा मोटा देना था, कुछ एसेसरीज भी लगवाई हमने. और फिर यहाँ पर मैं चॉकलेट खाते हुए, चॉकलेट भी कार के शेप की थी, इट वॉज़ वेरी नाइस. Now it's the actual day to take it out. फिर आज मंडे के दिन मैं गाड़ी लेकर ऑफिस के लिए निकली, तो आला कमान ने शूट किया मेरे को. सो दिस वे मैंने अपने आप को ये गिफ्ट दिया 30 years कंप्लीट होने पर my first motherhood के. So hope you like this vlog and please do not forget to like it, comment on it and share with all your near and dear ones and subscribe to my channel if you have not done so far. और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है, very very thank you to them. And now it's time to say bye bye.